ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैं गया था माइनशाफ्ट में, और यार वहां पर से मुझे काफी सारी अमेजिंग चीज मिली थी। और वो जो जगह थी ना यार, बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा अजीब सी थी। वहां पर से मेरे को माइनकार्ट मिला, रेल की पटरियां मिली, काफी सारी चेस्ट थी, उसके अंदर भी बहुत सारा सामान मिला था। लेकिन मेरे को दो बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम मिले थे, पहला था ट्राइडेंट और दूसरा मेरे को मिला था एंचेंटेड एप्पल। अब ये जो दोनों रेयर आइटम है ना भाई, ये इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलते। अब देखा, ट्राइडेंट का तो मेरे को यूज पता है, ये फेंक के मारने के काम आता है, लेकिन जो एंचेंटेड एप्पल होता है ना, उसका मेरे को यूज नहीं पता था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि ये सबसे ज्यादा रेयर आइटम है, इसको यूज मत करना, क्योंकि जब हम वो एंचेंटेड एप्पल खाते हैं ना, तो फिर हमारी हेल्थ जो अनलिमिटेड हो जाती है 5 मिनट के लिए। मतलब कि उन 5 मिनट में हमें कोई नहीं मार सकता। अगर हम लावा में भी गिर जाते हैं तब भी हम लोग नहीं मरेंगे, इतनी ज्यादा बढ़िया चीज है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला इसे संभाल के रख लो, तो मैंने उसे फिलहाल अभी संभाल के रख लिया है। और जब हम लोग एंडर ड्रैगन से फाइट करेंगे तब उस एप्पल को खाकर जाएंगे उसको मारने के लिए। अब जिन लोग को नहीं पता एंडर ड्रैगन कौन है, तो मैं बता देता हूं। एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट गेम का ड्रैगन है, जिसको मारने के बाद हम लोग गेम जीत जाएंगे। लेकिन ये मैं सोचना उसका नाम एंडर ड्रैगन है तो अपना गेम भी फिनिश हो जाएगा। तो देखो यार, एंडर ड्रैगन को मारना ना इतना ज्यादा आसान है नहीं। अपने पास देखो एक मतलब डायमंड सॉर्ड है, पिकैक्स है, सब कुछ, कितना भी कुछ ले लो, लेकिन यार उसको मारना ना इतना ज्यादा आसान है नहीं, मारना बहुत मुश्किल है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो भी हेलमेट है, जो भी टूल्स है, जो भी सब कुछ है, उन सब के अंदर हम लोग लगाएंगे एनहेंसमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा एबिलिटीज लगाएंगे। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एनचेंटमेंट टेबल। अब एंचेंटमेंट टेबल कैसे बनता है, उसकी रेसिपी मेरे को पहले यहां से चेक करनी पड़ेगी क्राफ्टिंग टेबल से। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं सिंपल एंचेंटमेंट टेबल, ठीक है। यहां पर ये आ गया अपना एंचेंटमेंट टेबल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बुक चाहिए और 4 ऑब्सीडियन चाहिए। ऑब्सीडियन तो मेरे को पता है कैसे मिलता है, हमें कुछ नहीं करना होता, लावा के अंदर पानी मिला दो, ऑब्सीडियन वाले स्टोन बन जाते हैं, और फिर डायमंड पिकैक्स से तोड़ दो। बाकी 2 डायमंड चाहिए और 1 बुक चाहिए। बुक कैसे बनता है वो मुझे देखना पड़ेगा, बुक भी मेरे को बनानी नहीं आती। तो देखो भाई, बुक बनाने के लिए मेरे को 3 पेपर चाहिए और 1 लेदर चाहिए। लेदर तो मेरे को किसी भी एनिमल से मिल जाएगा, लेकिन पेपर कैसे मिलेगा मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा फटाफट से। यहां पर पेपर के लिए चेक करते हैं, पेपर बनाने के लिए मुझे चाहिए शुगर केन। चलो ठीक है, शुगर केन ना मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो भी एक काम करते हैं ना, पहले शुगर केन को ना बहुत सारा उगा लेते हैं, क्योंकि यार मैं एक पेपर नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत सारी बुक्स बनाने वाला हूं। तो यहां पर भी मेरे पास ना 17 शुगर केन है, तो भी फटाफट से ना इस शुगर केन को लेकर मैं अपने फार्म में चलता हूं और ना बहुत सारा शुगर केन उगाएंगे। अभी जितना भी यहां पर वीट पड़ा हुआ है ना, ये सारा का सारा वीट मैं काम करता हूं ना यहां से निकाल लेता हूं, ठीक है। जितना भी वीट है हम लोग यहां पर गाय और बकरी नहीं, अपनी शीप को खिला देंगे, बकरी तो हमारे पास है नहीं। अभी फटाफट से यहां पर जितना भी है सारा का सारा पहले हटा दो, यहां पर सारा का सारा एक एक करके मैं जल्दी जल्दी हटा देता हूं। और यहां पर मेरे को ना काफी सारी सीड्स भी मिल जाएगी, तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले पूरा पूरा मेरे को अपना फार्म खाली करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी मेरे फार्म में जितनी भी वीट थी ना वो मैंने सारी की सारी निकाल दिया है। अब एक काम और करना है, यहां पर जितनी भी डर्ट है ना मुझे ये भी निकालनी पड़ेगी। वो किस लिए वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो यार, जो शुगर केन होता है ना वो नॉर्मल डर्ट पे उगता है, इस वाले डर्ट पर नहीं उगता। तो यहां पर पहले मेरे को ये वाली डर्ट हटा के इसे दोबारा से कलेक्ट करके दोबारा यहां पर डर्ट बिछानी होगी, ये नॉर्मल वाली, जैसे कि आप लोग ये वाली देख पा रहे हो ना, सेम टू सेम इसी टाइप की डर्ट मेरे को बनानी है सारी की सारी। तो यहां पर एक साइड की मैंने डर्ट तो हटा दी है। अब यहां पर जितनी भी डर्ट मेरे को मिली है ना, इसे मैं वापस से इस जगह पर प्लेस कर देता हूं जल्दी से अपने फार्म में, ठीक है। इधर नहीं करना, इधर बेकार लग रही है, इधर करते हैं जहां से इन्हें पानी भी मिलता रहे। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने 1 कॉलम कंप्लीट कर दिया और यहां पर ये 2nd कॉलम है, इसको भी मैं जल्दी से इसमें पूरी की पूरी डर्ट लगाकर कंप्लीट कर देता हूं। तो ये देखो मेरे पे थोड़ी सी डर्ट की कमी पड़ गई, अच्छा 1 डर्ट मेरी इधर रह गई, इसलिए तो यहां पर भी फटाफट से ये वाली डर्ट भी मैं इधर लगा देता हूं। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। शुगर केन जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो मिट्टी पानी के बगल में है उस पर लगता है, मतलब कि इस वाली मिट्टी पर नहीं लग पाएगा। तो यहां पर चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक साइड ही लगा देते हैं। और मैं पता क्या सोच रहा हूं, अभी ना शुगर केन हम लोग ढूंढ के लाते हैं, पानी के बगल में बहुत ज्यादा उगे रहता है तो वहां से हमें मिल जाएगा। बाकी यहां पर मैंने अपने फार्म में भी लगा दिया जितना भी मेरे पास शुगर केन था सारा का सारा। अब ये जल्दी से जब भी उगेगा तो हम लोग यहां पर दोबारा आकर जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो इसके अंदर से हमें और ज्यादा शुगर केन मिल जाएगा, और जितना ज्यादा शुगर केन मिलेगा उतने ही ज्यादा हमें पेपर्स भी मिल जाएंगे। अभी एक काम करता हूं, जितना भी वीट मेरे को इनसे मिला था ना, ये सारा का सारा यहां पर मैं शीप को खिला देता हूं। वैसे ना अभी मेरे पे शीप का इतना काम नहीं है, मैं पहले यहां पर अपनी यहां पर बफेले को खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को इनसे लेदर चाहिए। तो अभी ना फटाफट से मैं फार्म के अंदर चलता हूं। सॉरी, ये तो यहां पर मुर्गियों का फार्म है, यहां पर इसका गेट का चला गया, मेरे को गेट नहीं समझ आ रही। अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ फटाफट से भाग के। भाई साहब इतनी ज्यादा हो गई है, पूछो मत। यहां पर जल्दी जल्दी से इनको मैं खिलाता हूं। और यहां पर भाई वीट जो है पूरी की पूरी खाली, समझ ही नहीं आ रहा किस किस का पेट भरा है, किस किस का नहीं भरा, सबके सभी एकदम भीड़ चाल लगा रहे। एक मिनट रुक जाओ, यहां पर ना एक हाथ को मेरे को मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी ना लेदर चाहिए बहुत सारा। तो यहां पर फटाफट से जो भी मेरे रस्ते में आ रहा है उनको डाउन करते चलूंगा। सॉरी गाइस,
सॉरी सॉरी सॉरी, अभी लेदर की जरूरत पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और आ जाएंगे। अभी यहाँ पर एक बार मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 13 लेदर हो चुका है, लेकिन यार अभी और लेदर मेरे को चाहिए फटाफट से। भाई ये तो मैंने बहुत सारों को मार दिया, इस तरीके से तो मेरा फार्म ही खाली हो जाएगा, तो इतनी बहुत है, ठीक है एक और को मार देते हैं। चलो अभी जो बाकी मेरे पास वीट है ना, यहाँ पर जो इनके बच्चे हैं इनको खिलाता हूँ, ताकि ये लोग भी जल्दी से बड़े हो जाए। जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी फटाफट से पेट भरो, इतना टाइम नहीं है मेरे पे, क्योंकि मेरे को आज जल्दी से एंचेंटमेंट टेबल का काम खत्म करना है, और मेरे जितने भी वेपन है ना उनके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटीज डालनी है। तो यहाँ पर भी देखो भाई, बच्चों को मैंने पूरा पूरा अपने पास जितनी भी वीट थी ना सारी की सारी खिला दिया है और खत्म कर दी भाई वीट। अभी फटाफट से वाला गेट बंद करो, और यहाँ पर यार मेरे को ना अभी टोटल लेदर 23 लेदर मिल गया है, मेरे हिसाब से इतना लेदर बहुत है। अगर देखो एक लेदर से एक बुक बन रही है, यानी 23 लेदर से मेरी 23 बुक्स बन जाएगी। तो देखो भाई अभी ना मेरे फार्म में ये वाली जगह मैंने ऐसी खाली छोड़ दी थी, तो एक काम करता हूँ, जो मेरे को सीड्स मिले थे ना उनको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, इससे क्या होगा मेरा कम से कम वीट तो मेरे को मिल जाएगी ना। अभी यहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा शुगर केन ढूंढने के लिए, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे पेपर्स की भी जरूरत है, इतने पेपर से काम नहीं चलेगा। और बाकी यहाँ पर फटाफट से इधर लगा दो। चलो भाई यहाँ पर इतनी सारी मैंने वीट लगा दी है, अब कल मतलब सीड्स लगा दी, और कल तक ये वीट्स बन जाएगी मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत। और यहाँ पर गोलम क्यों डांस कर रहा है, डांस किस लिए कर रहा है? अच्छा बाहर ज़ॉम्बी आए, आजा बेटा गोलम जल्दी से मार इसको, फटाफट अभी देखना भाई मेरा गोलम मेरी रक्षा कैसे करेगा। अबे बाहर कहाँ जा रहा है भाई, अबे ये अलग ही पागल, अबे तेरी ऐसी की तैसी। भाई गोलम को सोचना आजादी मिल गई उसे, भाई बाहर जाने के लिए नहीं बोला था मैंने। भाई गोलम कहाँ जा रहा है यार, घर के अंदर आजा वापस से, पता नहीं बाहर क्या करने गया, ज़ॉम्बी अंदर है ये बाहर घूम रहा है। अभी ना मेरे को एक लीड लेकर आनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे घूमता रहेगा। चलो इससे बाद में बात करेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर ना अभी फिलहाल मैं भागते भागते पानी की तरफ में तो आ गया हूँ, लेकिन ना यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी शुगर केन नहीं नजर आ रहा। एक काम करता हूँ थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, क्या पता उस साइड पर मेरे को शुगर केन मिल जाए। बाकी यार ना पानी के बगल में ही होते हैं, वैसे मिल तो जाते हैं, मेरे को कई बार मिले हैं लेकिन मैंने कलेक्ट नहीं करे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या पता थोड़ा सा और आगे जाओ। ये देखो भाई यहाँ पर इतना सारा शुगर केन है, मेरे को भी यहाँ से बहुत सारा मिलने वाला है। इतने बड़े बड़े पौधे हैं शुगर केन के, मतलब पौधे नहीं जो भी आप कहो, तुम्हारी ऐसी की तैसी नकली ज़ॉम्बी निकल यहाँ से। भाई साहब इनको भूत बना के मारूंगा, इधर आओ भाई, नीचे पानी में दो दो है। वाह भाई साहब ये लोग इतने सारे यहाँ पर स्पॉन हो रहे हैं, ये नहीं कि जो मैंने एक्सपी फार्म बनाया था उसके अंदर स्पॉन हो जाए। और हाँ गाइस यार अभी ना एंचेंटमेंट टेबल के लिए ना मेरे को एक और एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा, तो जो अपना माइनशाफ्ट था ना यार वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक्सपी फार्म बना लूँ, क्योंकि आपने यार एक चीज देखी होगी वहां पर ना मॉब स्पॉनर थे, तो यार वहां पर तो कंफर्म सीधी सी बात है एक के बाद एक मॉब स्पॉन होते रहेंगे, और मैं अपनी एक्सपी भी बढ़ा लूंगा। अब जिन लोग को नहीं पता एक्सपी बढ़ाने से क्या होता है, तो देखो यार जितनी ज्यादा आपकी एक्सपी होगी ना आप लोग एनहेंसमेंट मतलब एंचेंटमेंट टेबल से उतने ही ज्यादा तगड़े अपने वेपन्स में, यानी ये जो स्वॉर्ड है पिकेक्स हो गई, इन टूल्स के अंदर उतनी ज्यादा एबिलिटीज डाल सकते हो। तो अभी देखो यार मैंने थोड़ा बहुत शुगर केन तो कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर नीचे पानी में भी बहुत सारा शुगर केन है। शुगर केन नहीं है, कुछ और है। अबे भाई साहब ये कहाँ से आ गया, मेरे पास शील्ड भी नहीं है तेरी ऐसी की तैसी। भाई ये बहुत बुरी तरह मारेगा अभी मेरे को, निकल यहाँ से। भाई इसको ना मैंने मस्त मार दिया, अगर मैं इसे मार नहीं पाता ना तो भाई उल्टा ही मेरे बैंड बजा देता। अभी ना देखो रात का टाइम है, फटाफट चल लेते घर में। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं भागते भागते अपने घर पर वापस आ गया, और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देखो मेरा जो कासल है कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो फटाफट से ना अभी कभी इस वीडियो को जाकर लाइक ठोक दो। और यहाँ पर जो मेरी कैट थी ना उसको देखो मैंने यहाँ पर एक कोने में बैठा दिया, मतलब ये पहले कमरे में बैठे रहती थी, मेरे को लगता था कैद हो गई है, तो अभी कैद वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो देखो अभी मैं ना 15 शुगर केन लेकर आया था, तो यहाँ पर ना 15 की 15 शुगर केन मैं सबसे पहले तो इधर लगा देता हूँ। उससे पहले ना मेरे को यहाँ पर जितनी भी सीड्स है ना वो हटानी पड़ेगी। अब ना जल्दी से जल्दी मुझे ज्यादा से ज्यादा पेपर मिलने वाले हैं, तो फटाफट से भी मैंने बहुत सारी सीड हटा दिया है। अब यहाँ पर जल्दी से मैं शुगर केन लगा देता हूँ, लेकिन यार मेरे को पहले डर्ट का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, डर्ट भी मेरे को दूसरी वाली करनी पड़ेगी। तो भी फटाफट से यहाँ पर जितनी भी ये वाली डर्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने बहुत सारी जो नॉर्मल वाली डर्ट थी वो वापस से निकाल कर लगा दी है, और यहाँ पर जितना भी शुगर केन मैं लेकर आया था उसको भी यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ जल्दी से। फटाफट से भी यहाँ पर सारा का सारा शुगर केन मैंने लगा दिया है, और एक शुगर केन को ना मैंने ऊपर लगा दिया, तो इसको भी हम लोग नीचे की तरफ में लगाते हैं ताकि ये जल्दी ग्रो करे। और यहाँ पर भी फटाफट से सारा काम कंप्लीट हो गया है, और अभी ना मेरे पास बहुत सारी सीड्स है, तो ये भी मैं मुर्गियों को खिला देता हूँ। भाई काफ़ी टाइम से ना यहाँ पर मेरे फार्म में जितने भी एनिमल्स हैं ना मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था, और यार अभी ना देखते देखते मेरे हिसाब से सुबह भी होने वाली है। भाई मैं काफ़ी ज़्यादा देर से यहाँ पर लगा पड़ा हूँ, और फटाफट से भी मैंने यहाँ पर इनको काफ़ी सारा मतलब सीड्स भी खिला दिए, और इन्होंने अंडे भी दे दिए। और यहाँ पर ये लोग आप बफेलो भी देख पा रहे हो, इनको ना मैं दोबारा से जो है खाना तो नहीं खिलाऊंगा, लेकिन इनसे खाना जरूर लूंगा भाई, क्योंकि अभी जरूरत है यार, लेदर आज चाहिए तो चाहिए, बहुत सारा लेदर चाहिए, थोड़ा बहुत भी नहीं चाहिए, बहुत सारा लेदर चाहिए। और मैं ना यार देखो अभी बहुत कम बफेलो बचे, इसलिए मैं और बफेलो को नहीं मारने वाला। अपना ना एक काम करेंगे ना, एक और बड़ा फार्म बनाएंगे। अबे ये बाहर कहाँ जा रहा है, वे तेरी ऐसी की तैसी, गेट बंद करो, यहीं घूम ले ठीक है, इतने में इतना आजादी बहुत है भाई। तो चलो भाई यहाँ पर मैंने मुर्गियों को भी खाना खिला दिया, सब
कुछ हो गया, शुगर केन भी अपना लग रहा है अपना। जल्दी से हम लोग ऑब्सीडियंस लेकर आ जाते हैं। अब मेरे को ऑब्सीडियन चाहिए थे, अब डायमंड तो देखो मेरे पास ऑलरेडी है। भाई साहब मारा किसने, मारी ऐसी की तैसी। भाई साहब ये मार कैसे रहती है, ऐसी कैसे निकल यहाँ से। अभी तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर, फटाफट तू भी निकल पे। ओ भाई साहब ये तो बहुत बुरी तरह मार रहा है। बेटा ये मत भूल मेरे पास भी क्रॉसबो है, तेरा भूत बना दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पर ना मेरे को लग रहा है मैंने गलती से इनके मेन हेड को मार दिया, जो कि यार रेड करवा देंगे। लेकिन यार वैसे रेड तो विलेज पे ही होती है ना, तो मेरे ऊपर थोड़ी करेंगे। अभी मैं फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ, कहीं पता लगे ज्यादा बड़ा पंगा हो जाए। बाकी यार मेरे को किसी बंदे की आवाज तो आ रही है। वैसे यार मेरे गोलम कहाँ पर थे भाई, यहाँ पर मैं गोलम को ना बिल्कुल भी खाना वाना नहीं खिलाऊंगा भाई। यहाँ पर ये लोग मेरी जब रक्षा ही नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या गोलम रखने का। भाई वो देखो अपना पीछे आराम से घूम रहे हैं। और ये दुकानदार मेरे घर के अंदर कैसे घुस गया, अभी ये क्या मजाक चल रहा है तुम्हारी, ऐसे की तरह से सब पिटे, ये सब पिटेंगे भाई। अब यहाँ पर मैंने गलती से एक बार गेट क्या खोल दिया, तुम तो ये समझ रहे हो कि ये धर्मशाला हो रखी है। इधर आओ बे, किससे पूछ के अंदर आया यहाँ पर है बे, किससे पूछ के अंदर आया। और तेरा लामा इसकी ऐसी की तैसी, थूक फेंकेगा मेरे पे, तू भी निकल यहाँ से। भाई साहब ये है लगी पंगे ले रहे। चलो इसी बहाने मेरे को थोड़ा बहुत लेदर तो मिल गया, अभी यहाँ पर लेदर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके पास से ना मुझे 2 लीड भी मिल गई है, जिससे कि मैं अपने मतलब कि गोलम वगैरह को एज अ पेट घुमा सकता हूँ पकड़ कर और उनके गले में रस्सी बांध के। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जब से मैंने उस पिलेजर को मारा है ना मेरे शरीर से धुआं निकल रहा है। अब ये किस लिए निकल रहा है मुझे नहीं मालूम, अगर आपको पता है तो कमेंट में जाकर जरूर बताना। फिलहाल यहाँ पर ना अभी मेरे को 4 ऑब्सीडियंस के स्टोन चाहिए। और ऑब्सीडियंस के स्टोन बनाने के लिए ना हमें लावा में पानी मिलाना पड़ता है और फिर डायमंड पिकेक्स से तोड़ना पड़ता है उसे। तो भी फटाफट से अपने घर पर वापस चलते हैं, डायमंड पिकेक्स लेते हैं, एक वाटर बकेट लेते हैं जिसके अंदर हम अब वाटर कैरी करेंगे। तो यहाँ पर बस 2 बकेट ऑलरेडी भरी पड़ी है, तो इतनी मेरे हिसाब से बहुत रहेगी 4 स्टोन के लिए। बाकी ना एक बारी और मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ से मेरे को अपनी डायमंड पिकेक्स भी कलेक्ट करनी है। अगर नहीं होगी तो मैं बना लूंगा, वैसे मेरे पास संभाल के मैंने रखी तो होगी, ऐसा नहीं है। मैं अपने सारे टूल संभाल के रख देता हूँ। ये देखो ये पड़ी मेरी डायमंड पिकेक्स, तो यहाँ पर भी फटाफट से अपनी डायमंड पिकेक्स को मैं लेकर निकल लेता हूँ। तो कहीं सर अभी ना मेरे को लावा ढूंढने के लिए कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार ना मैं पंपकिन ढूंढ रहा था तो अभी ना मेरे को सामने की तरफ में जमीन पर ही लावा निकला हुआ नजर आ गया था। तो अभी ना जल्दी से हम लोग उसी जगह पर चलते हैं और वहां पर लावा में पानी मिलाएंगे और फटाफट से ऑब्सीडियन बनाकर ले आएंगे और फिर हम लोग बना देंगे एन्चेंटमेंट टेबल। तो मेरे को बस थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर काफी बढ़िया एक शीप जा रही है, तो इसको मैं मार के इसका जो वूल है कलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रे वूल मिला होगा मेरे को इससे। और यार देखो मेरे को ना भी काफी सारे अलग अलग कलर के भी वूल बनाने हैं। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं भागते भागते उस लोकेशन पर तो आ गया जहां पर मैंने लावा फाइंड किया था। और यहां पर देखो कितना सारा लावा है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले यहां पर ना हम लोग अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं ताकि अगर पानी की कमी पड़ जाए तो मैं पानी भी यहां पर काफी सारा बना पाऊं। तो सबसे पहले यहां पर डर्ट रखते हैं, 2 वाटर बकेट रखते हैं दोनों की दोनों। और यहां पर इस जगह को मैं पूरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना देता हूं जल्दी से। अबे यार ये ऊपर क्यों आ गया, एक सेकंड जो अंदर वाले में जा। अब एक इधर डाला कॉर्नर में और फिर एक इस साइड डाला। और यहां पर पानी का कलर कितना ज्यादा चेंज हो गया भाई, इतना अजीब सा लग रहा है। अभी फटाफट सारा वाटर करा और मैं इधर डालूंगा। ये देखो यहां पर ये बन गए ऑब्सीडियंस और इधर भी डालूंगा फटाफट से, और ये भी बन गए ऑब्सीडियन। देखो मैं कह रहा था ना पानी कमी पड़ सकती है, वैसे अभी 4 स्टोन तो बन गए हैं, बट यार मैं पूरा ही लावा बुझाना चाहता हूं। ओ भाई ये क्या, एक सेकंड सारा ही लावा बुझ गया। चलो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब यहां पर ना जितना भी ऑब्सीडियन है उसको मैं फटाफट से कलेक्ट करता हूं और यहां पर ना पानी वापस उठा लेता हूं। भाई पानी से मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, रुक जाओ ये पानी सारा वापस उठाता हूं। ये देखो भाई सारा का सारा ऑब्सीडियन ही ऑब्सीडियन बन गया यहां पर। लेकिन ना मैं ऊपर खड़े होकर इनको तोड़ने वाला हूं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये वाला ना मैं ऑब्सीडियन स्टोन तोड़ रहा था और यहां पर नीचे लावा आ गया, तो इसको भी मैं बुझा देता हूं। और अगर मैं उसी वाले पत्थर पर खड़े होकर तोड़ रहा होता ना तो मैं भी साथ में लावा के अंदर ही चले जाता, तो जो मेरा ऑब्सीडियन स्टोन टूटा था वो भी लावा के अंदर जाके पूरा जल गया। तो मेरे को एक स्टोन और तोड़ना पड़ेगा और यहां पर ऑलरेडी मैं 2-3 स्टोन तोड़ चुका हूं और सामने की तरफ भी एक स्टोन है, तो फटाफट से इसको भी तोड़ते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, मेरे पास टोटल 4 ऑब्सीडियंस हो चुके हैं। मैं इसे ऑब्सीडियन स्टोन बोल रहा था लेकिन इसका नाम सिर्फ और सिर्फ ऑब्सीडियन है। तो भी फटाफट से इन ऑब्सीडियन को लेकर मैं अपने घर पर चलता हूं और जल्दी से हम लोग अब बना लेते हैं एन्चेंटमेंट टेबल। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं भागते भागते अपने घर पर वापस आ चुका हूं। और यहां पर ये शुगर केन उगे किस लिए नहीं भाई, ये क्या मजाक है। मतलब कि मैं सोच रहा था कि शुगर केन काफी ज्यादा उग जाएंगे तो मेरे को और भी ज्यादा पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन यार ये जो चीज है ना उगने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं किस लिए। शायद से इसे ना अलग जगह पर उगाना पड़ता होगा या फिर और पानी देना पड़ता होगा शायद से। अभी फिलहाल देखो जितने भी मैंने लगाए थे ना यहाँ पर शुगर केन, वो मैंने वापस से कलेक्ट कर लिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर उगने का वेट करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पेपर बनाएंगे, फिर बुक बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे एन्चेंटमेंट टेबल। तो उसके लिए मेरे को 2 डायमंड्स भी चाहिए होंगे, मेरे पास डायमंड पड़े हैं ना यहाँ पर, रुक जाओ हाँ देखो 10 डायमंड पड़े हैं। तो अभी फटाफट यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ पेपर्स। तो पेपर्स बनाने के लिए मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं करना, सर्च करना यहाँ पर पेपर, और ये आ गए टोटल यहाँ पर मेरे को जितने पेपर्स बनते हैं ना मैं सारे बना दूँ, टोटल 15 पेपर बन गए। अब मेरे को बनानी है बुक, ठीक है। बुक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 3 पेपरों को इस तरीके से रखना है, फिर नीचे एक लेदर रखना है। और यहाँ पर भी मेरे को टोटल 5 बुक मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास काफी सारे पेपर थे और काफी सारा लेदर भी था। लेकिन यार अभी ना पेपर्स खत्म हो गए, 3 पेपर लगाने पड़ते हैं एक बुक को बनाने,
के लिए, तो मेरे पास दो ही पेपर बचे हैं, शुगर के उगने का नाम ले नहीं रहे। अब यहाँ पर मेरे को बनाना है एंचेंटमेंट टेबल, ठीक है। एंचेंटमेंट टेबल की जो रेसिपी होती है उसमें हमें चार डायमंड्स को, चार ऑब्सीडियन को इस तरीके से रखना है, दो डायमंड को। एक काम करता हूँ ना, मैं खुद से बनाऊंगा इसे, ठीक है, ये याद रहनी चाहिए सब चीज़ें। स्टार्टिंग में एक बार ही देख के बना लो, उसके बाद खुद से करो। यहाँ पर देखो, दो मैंने डायमंड इस तरीके से रख दिए। अब ऊपर वाले में मेरे को रखना था बुक, ठीक है, एक बुक रखेंगे, सिंपल सीधी सी एक बुक यहाँ पर मैं निकाल के इस तरीके से रख देता हूँ। और यहाँ पर हमारा बन गया एंचेंटमेंट टेबल। अब यार देखो, एंचेंटमेंट टेबल को ना मैं इस जगह पर नहीं लगाने वाला, इसको मैं लेकर जाऊंगा अपने सीक्रेट रूम में। अब ये जो चीज़ ना इतनी ज़्यादा खास तो नहीं होती, बट हम लोग फिर भी इसे एकदम अनोखी सी जगह पर लेकर चलेंगे। और यार लकड़ी को मैं तोड़ रहा हूँ पिकैक्स से, वाओ। तो भी यहाँ पर जो मैंने सीढ़ी लगाई थी, यार ये धुआं क्यों निकल रहा है मेरे शरीर से, कोई बताएगा क्या भाई, क्या सीन है इसका, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और ये सीढ़ी उतर क्यों नहीं रहा भाई, चलो यहाँ पर मैं सीढ़ी उतर गया हूँ, फटाफट से आगे चलते हैं। ये मेरा सीक्रेट रूम है, इसके अंदर ना कभी कभार मॉब्स भी स्पॉन हो जाते हैं, तो ठीक है। ये ओ तेरी भैंस की टंग, मैं बोल ही रहा था। और ये देखो मैं तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हें एक्सपी फार्म में स्पॉन होने के लिए बोला है और तुम लोग यहाँ पर स्पॉन रहते हो। तो चलो यार, अभी इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इस जगह पर मैं बनाने वाला हूँ अपना, मतलब कि एंचेंटमेंट टेबल को मैं इस जगह पर रखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। अंदर वाले रूम में रखूंगा तो बढ़िया रहेगा कि ये वाला रूम बढ़िया रहेगा, रुक जाओ एक बारी, बाहर वाला रूम ही ज़्यादा बड़ा है तो वही बढ़िया रहेगा। तो उसको मैं लगाता हूँ इस तरफ, एकदम सेंटर में रहना चाहिए इस टाइप से। तो देखो भाई, अभी यहाँ पर मैंने एंचेंटमेंट टेबल रख दिया है, और अभी इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा ना लैपिस लकोजी चाहिए होगा, जो कि मेरे पास यार बहुत सारा पड़ा हुआ है, और अगर कम पड़ेगा तो हम लोग माइन कर ले आएंगे। और यार अभी ना मेरे को अपनी एक्सपी बढ़ानी है, देखो मेरी 23 एक्सपी, और मैं जितनी ज़्यादा एक्सपी बढ़ाऊंगा ना मेरे को उतनी ज़्यादा एबिलिटीज मिल जाएगी। तो अभी फटाफट चलते हैं ऊपर की तरफ में, जहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ था लैपिस लकोजी। और मेरे को ना गाइस अभी एनविल भी बनाना है, और मेरा बैग पूरा भर गया, वाओ यार। थोड़ा सा ना पहले बैग मैं खाली करता हूँ, रुक जाओ, जो भी फालतू का सामान है ना उसको निकालते हैं, जैसे कि ये जैसे मेरे पास लैदर हो गया, अभी लैदर की इतनी जरूरत नहीं है, बाद में पड़ेगी तो उठा लेंगे। ये काफ़ी सारे एक्स हो गए, तो ये सब मैं पहले हटा देता हूँ। तो चलो गाइस, सर अभी फिलहाल यहाँ पर जो मेरा बैग है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत कॉल बचा था, इसको भी यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। अभी फटाफट चलते हैं हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर, लैपिस लकोजी का सबसे पहले हम लोग यूज़ देखते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बुक्स बनाई थी ना, अभी उसको भी हम लोग एनहेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अपने मेरे को ना स्वर्ड को एनहेंस करना है, देखते हैं किस लेवल पर जाती है और इसके अंदर पहली कौन सी एबिलिटी आती है। तो फटाफट से मैं अपनी डायमंड स्वर्ड यहाँ पर डालता हूँ, और यहाँ डालते हैं हम लोग लैपिस लकोजी। ये देखो गाइस, यहाँ पर भी बहुत सारी आ चुकी है। तो यहाँ पर आएगी सबसे पहले शार्पनेस का फर्स्ट लेवल, और ये है नॉक बैक का फर्स्ट लेवल, और ये बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड। देखो यार, बाकी दो चीज तो समझ नहीं आई, लेकिन शार्पनेस हम लोग अपनी डायमंड स्वॉर्ड में लगा देते हैं। और गाइस यार ये देखो, अपनी डायमंड स्वॉर्ड से ना एक अलग ही लाइट निकलने लगी है कुछ इस टाइप से। ये देखो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अभी आपको ना ढंग से ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी हम लोग यहां पर अपने ना हेलमेट और चेस्ट प्लेट वगैरह में भी ये जो चीज है इसे यूज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अगर मैं इसको यहां पर रखूं और यहां लैपिस लकोजी डालूं, तो ये देखो यहां पर ना थोड़ी बहुत ही जो मजबूत हो जाएगी। देखो ब्लास्ट प्रोटेक्शन, अगर कहीं पर भी ब्लास्ट होता है, जैसे ब्लास्ट ना मैक्सिमम उसी को करते हुए देखा है, जैसे जो अपना वो होता है क्रीपर, वो ब्लास्ट करता है बहुत ज्यादा खतरनाक, तो उससे शायद हम बच जाएंगे। और यहां पर प्रोटेक्शन का लेवल सेकंड हो जाएगा। तो ये देखो अपनी चेस्ट प्लेट भी मैंने अपग्रेड कर लिया है, और यहां पर जो मेरे पास पेंट थी और जो बूट थे उसको भी मैं फटाफट से अपग्रेड कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लैपिस लकोजी था, लेकिन देखते देखते सब खत्म हो रहा है। और यह है एक अनब्रेकिंग का, यह भी अनब्रेकिंग, और यह है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, तो मैं अनब्रेकिंग का बना लेता हूं अभी ना, मेरे को उसका इतना यूज नहीं पता, खेलते जाएंगे सब कुछ पता चलता जाएगा। और यहां पर जो मेरे बूट थे इसको भी मैं यूज करता हूं। यहां पर है फेदर फॉलिंग, और बाकी तीनों ही फेदर फॉलिंग है, तो यहाँ पर सीधा एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो 7th एक्सपी का ये वाला मैं लेता हूँ। और यहाँ पर भी जितने भी कपड़े मैंने अपग्रेड करवाए हैं इसको मैं पहन लेता हूँ। और यार देखो, अब आपको अंतर पता चल गया होगा। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल जो अपना करेक्टर है कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी यार देखो ना, हम लोग इसके अंदर शायद से बुक भी एनहेंस कर सकते हैं, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, बट एक बार ट्राई करते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पर हम लोग बुक में शार्पनेस डाल के करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे बुक की, पता नहीं इससे क्या होगा, लेकिन जो भी हो यहाँ पर हमें बुक की भी एक अलग एबिलिटी मिल चुकी है। और यहाँ पर इसके अंदर यार मैं ज्यादा बुक ना भी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को बुक शेल्फ बनाना है। और अगर हम लोग इसके चारों तरफ एक बारी बुक शेल्फ लगा देंगे ना, तो फिर हम लोग इससे और ज्यादा एनहेंसमेंट कर सकते हैं, ऐसा मैंने देखा था। अभी ना फटाफट से ये जो चीज़ें ट्राई करेंगे, लेकिन मेरे को उसके लिए बहुत सारी बुक्स चाहिए होंगी, तो अभी यार जल्दी से जल्दी बुक्स बनाएंगे। और यहां पर ना अभी मैं सोच रहा हूं कि एक्सपी फार्म भी हम लोग जल्दी से आज ही बना लेते हैं, क्योंकि यार अगर हम लोग अपनी एक्सपी बढ़ा लेंगे तो फिर हम लोग अपने स्वॉर्ड का, जैसे अभी लेवल 1 है ना, यहां पर देखो अभी जो मेरे स्वॉर्ड की है ना, देखो यहां पर शार्पनेस का लेवल 1 है, तो फिर हम लोग शार्पनेस का लेवल 3 कर सकते हैं, डैमेज का लेवल बढ़ा सकते हैं, और फिर हम लोग जाकर एंडर ड्रैगन को भी मार सकते हैं। बाकी यार यहाँ पर जो भी है ठीक है, अभी रात हो रही है बहुत ज्यादा, तो जल्दी से चल के सोते हैं। और मेरे को अभी शुगर केन भी चाहिए, अभी बहुत कुछ चाहिए बुक शेल्फ बनाने के लिए, उसकी रेसिपी पहले देखूंगा, फिर उस हिसाब से हम लोग लूट करेंगे। अभी जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पर एक बार चेक करते हैं सबसे पहले बुक शेल्फ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर फटाफट से मैं सर्च करता हूँ सिंपल बुक शेल्फ। तो ये देखो मेरे को इस टाइप से 3 बुक चाहिए और काफी सारी वुड चाहिए। वुड तो मेरे पास है, एक मैं बना सकता हूँ अभी के अभी, ठीक है। वुड भी लानी पड़ेगी यार, वुड भी बहुत कम पड़ी हुई है, तो अभी फटाफट इसके अंदर यहाँ पर मैं एक बुक शेल्फ बनाता हूँ कुछ इस तरीके से,
तीन बुक रखनी है और यहाँ पर तीन ये रखने हैं, वो फिर हमें मिल जाएगी बुक शेल्फ इस टाइप से। तो मेरे को ना इस टाइप के भी 15 बनानी पड़ेगी, मतलब एक से काम नहीं होगा। तो 15 बनाने के लिए कितनी सारी बुक्स चाहिए होंगी और पेपर्स भी मेरे को 100 से ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर शुगर केन ये देखो गाइस, फाइनली मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये उगेंगे और यहाँ पर देखो शुगर केन ने उगना शुरू कर दिया है। तो चलो भाई बहुत बढ़िया, अभी ना फटाफट बहुत सारा शुगर केन कलेक्ट कर ले आता हूँ, जल्दी से बाहर मेरे को मिल जाएगा। और यार सच्ची में अपना जो करेक्टर है ना देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये इसमें से धुआं किस लिए निकल रहा है ये ही नहीं समझ आ रहा। तो ओके गाइस यार, अभी फिलहाल मैं भागते भागते अपने घर के पीछे की तरफ में आ गया हूँ। यहाँ पर ना गाइस मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट करने, जो कि यार मुझे एक्सपी फार्म बनाने के टाइम पर काम आने वाला है। अब यार देखो, पहले हमने एक्सपी फार्म बनाया था अपने घर के ऊपर, लेकिन इस बार जो मैं एक्सपी फार्म बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा बेसमेंट में। अब देखो क्या होगा ना, जाओ आपको याद होगा माइनशाफ्ट में ना बहुत सारे मॉब स्पॉनर थे, जहां पर ना कंटिन्यूअसली ज़ॉम्बीज स्पॉन होते रहते हैं और उनको मार के हम लोग ना अपना एक्सपी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर हम लोग अपनी स्वॉर्ड वगैरह में उतना ही ज्यादा मतलब की एबिलिटीज डाल सकते हैं। तो उस जगह पर जाने के लिए ना मेरे को कुछ चीजें बनानी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक ना कैल्प नाम की चीज होती है, वो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। उससे क्या होता है ना, अगर हम लोग उसे एक बार पानी के साथ मिला दें तो फिर जो पानी होता है ना वो एक टाइप से लिफ्ट का काम करने लग जाता है। वो फिर पानी में अगर आप खड़े हो गए ना तो फिर आप बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से ऊपर की तरफ में चले जाओगे। तो यहाँ पर वो कैल्प ना अंडर वाटर मिलता है, वैसे भी मेरे को मिल तो नहीं रहा है। एक काम करता हूँ ना, किसी ओशन की साइड पर चलता हूँ, यहाँ पर रिवर तो मैंने चेक कर ली, इसमें तो नहीं है। तो ओके गाइस अभी फिलहाल ना घूमते घूमते यहाँ पर मैंने ना बहुत सारा शुगर केन कलेक्ट कर लिया, नदी के बगल में यार बहुत सारा मिल जाता है। और गाइस अभी मैं एक ना डार्क ओक वुड के जंगल में आ चुका हूँ और यहाँ पर यार ये जो पेड़ है ना बहुत ज्यादा खतरनाक से है। और ना अभी यहाँ पर मैं ओशन में आ गया हूँ, रिवर में ना ये सब चीजें नहीं मिलती। देखो ओशन में मेरे को आते ही मिल गई, ये चीज मेरे को चाहिए और यही होती है कैल्प। तो अभी ना फटाफट यहाँ पर जितनी भी कैल्प है मैं सारी की सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से यार अबे किसने मारा भाई, पानी के अंदर भी तुम्हें चैन नहीं है भाई साहब। यहाँ पर तो मेरे कोई, ओ भाई इनके पास तो वही वाला हथियार है, ओ भाई भागो 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 इनके पास यार ट्राई। अबे भाई नहीं 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 नहीं, ये लोग मेरे को बहुत ही बुरा वाला मारने वाले हैं, इतना गंदा कौन मारता है भाई साहब। अभी फटाफट ना मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ट्राइडेंट मार रहे हैं ये लोग मेरे भाई, ट्राइडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है भाई सच्ची में। तो गाइस सर अभी ना मेरे को थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, मेरे को टोटल 24 पीस चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जब ज़ॉम्बीज 24 की ऊंचाई से गिरते हैं ना तो फिर इनकी 1 HP हेल्थ बचती है और फिर हम लोग जाकर उन्हें सीधा एक तलवार में मार सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, फिलहाल मैं वापस से लैंड पर आ गया और यहां पर वो कितना कैल्प मिला भाई साहब, मेरे को तो 64 से भी ज्यादा कैल्प मिल गया और मैं 24 के लिए रो रहा हूं। और यहां पर ना गाइस रात होने वाली है और अभी जल्दी से मैं निकल लेता हूं घर की तरफ में, वरना यहां पर उल्टे सीधे अगर ज़ॉम्बीज मिल गए या फिर क्रीपर मेरे बगल में अगर फट गया ना तो फिर अपने साथ बहुत ही ज्यादा स्कैम हो जाएगा, जो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो चलो गाइस अभी सब कुछ एकदम डन है और मैं वापस से अपने घर पर आ चुका हूं। यहां पर जल्दी से हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं और जितना भी मैं शुगर केन लेकर आया हूं ना उस शुगर केन को दोबारा से उगने के लिए मैं लगा देता हूं। और जो मेरे घर पर शुगर केन उग रहा था, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कितना ज्यादा वो उग चुका है। अभी फटाफट से हम लोग यहां पर वापस अंदर चलते हैं और ये जितना भी शुगर केन मैं लेकर आया हूं सारा का सारा यहां पर है। अभी फटाफट से ना मैं इसे एक कोने में लगाना शुरू कर देता हूं और एक काम करता हूं ना, इस साइड में थोड़ा सा तोड़ देता हूं, एक जगह ज्यादा लग जाएगा इस तरफ में। तो अभी फटाफट से यहां पर जितना भी शुगर केन है मैं उसे फटाफट से लगाते हुए चलता हूं आगे तक। तो चलो गाइस यार यहां पर ना मैंने दोबारा से सारा का सारा शुगर केन जो है प्लेस कर दिया है और यहां पर मेरे पास ना अभी 31 शुगर केन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। एक काम करेंगे, इसे अपने मतलब बैग में ही रखते हैं, बाद में इसका यूज कर लेंगे जब पेपर्स बनाने होंगे। अब यार फटाफट से ना मैं निकल लेता हूं अपना एक्सपी फार्म बनाने के लिए, तब तक यहां पर जितना भी शुगर केन है ना वो उगता रहेगा और जितना भी अपना फालतू का सामान है ना वो मैं पहले सारा का सारा निकाल लेता हूं, ठीक है, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। और मेरे को भी बहुत सारा वुड्स भी चाहिए जो कि मैं बाद में ले सकता हूं, ऐसे मेरे पे वुड ना बहुत सारा पड़ा हुआ है तो उसकी इतनी जरूरत नहीं है। और यहां पर मेरे सारे के सारे गोल्ड इंगट भी अभी तक बन गए होंगे, ये देखो भाई सारा गोल्ड इंगट मेरा बन चुका है। अभी फटाफट से मेरे पास जितना भी गोल्ड इंगट बना है इसको मैं उठा के यहां पर रखता हूं और ना अभी जल्दी से अपना बैग जो है खाली करते हैं, जितना भी काम का सामान है सिर्फ वही लेकर चलेंगे। तो चलो गाइस यार यहां पर जितने भी टूल्स वगैरह थे वो मैंने सारे के सारे बाहर निकाल के रख दिया जिनका यूज नहीं है उस जगह पर। और यहां पर जो मेरी शील्ड है उसे मैं इक्विप कर लेता हूं और हम लोग शील्ड में भी एनचेंटमेंट मतलब एनहेंसमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जो चीज है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार यहां पर ना मेरे को थोड़ा सा वुड चाहिए होगा क्योंकि ना गाइस यार मुझे बहुत सारे साइन बोर्ड भी बनाने, तो फटाफट से इस वुड को यहां पर रखते हैं। और जितना भी मेरे को यहां से प्लैंक्स मिलेंगे ना वो मैं सारे के सारे कलेक्ट कर लूंगा भाई, बहुत सारे प्लैंक है। तो ये सारे के सारे एक बटन में कैसे होंगे, एक मिनट रुक जाओ, वो तेरी यहां पर एक ही बटन में होगी, अभी पता नहीं कौन सा बटन दबाया, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारी वुड इकट्ठी हो चुकी है। और गाइस यार मेरे को भी बनाने साइन बोर्ड, मतलब कि 24 साइन बोर्ड बन जाएंगे तो बहुत है, ठीक है। यहां पर एक सेकंड रुक जाओ, साइन बोर्ड बनाने के लिए मेरे को स्टिक्स भी चाहिए, अरे यार शिट स्टिक्स भी मेरे को भी बनानी पड़ेगी, रुक जाओ क्राफ्टिंग टेबल कहां गया, ये रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से रखो, इस तरीके से रखो और यहाँ पर ये इसे मैं सारे कैसे कलेक्ट करूंगा, चलो ठीक है सारे कलेक्ट हो गए, शिफ्ट दबाने से सारे कलेक्ट हो जाते हैं, ये चीज़ मुझे आज पता चली है। और यहाँ पर देख लो अभी मैंने बहुत सारे साइन बोर्ड बना लिए, मेरे को ना टोटल मोर देन 25 बना लिया, ठीक है मेरे को, चलो भाई 30 बन गए भाई जल्दबाजी में, लो भाई साहब और ज़्यादा बना दिए, इसे कैंसिल करो, मेरी वुड वेस्ट हो रही है बेमतलब। यहाँ पर अभी ना गाइस मैंने बहुत सारे साइन बोर्ड बना लिए और अपना जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ना जल्दी से एक झपकी मारते हैं और हम लोग नेक्स्ट डे जाने वाले हैं सीधा अपना न्यू एक्सपी फार्म बनाने के लिए।
तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना सुबह हो चुकी है। अभी जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए। लेकिन ना जाने से पहले एक चीज चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास वाटर बकेट भी है, वाटर बकेट की भी जरूरत है, और यहाँ पर साइन बोर्ड की जरूरत है, कैल्प भी मेरे पास हो चुका है, डायमंड पिकेक्स भी है मेरे पास, और स्वॉर्ड भी मैंने ले रखी है। स्वॉर्ड ना मेरे सबसे डायमंड की ले जाना जरूरी नहीं है, डायमंड की स्वॉर्ड यार मैं संभाल के रख देता हूँ। और ये देखो भाई, यहाँ पर क्या धजिया उड़ी हुई है, पूरा का पूरा ये जो भर गई है चेस्ट, तो मेरे को ना अभी और चेस्ट भी बनानी पड़ेगी। तो मैं नॉर्मल वाली स्वॉर्ड पहले इक्विप कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यार, आज ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे ही मेरा एक्सपी फार्म बन जाएगा, फिर उसके अंदर से हमें ज़ॉम्बीज़ को मार मार के बहुत ज़्यादा एक्सपी मिलेगी। फिर हम लोग अपने सारे वेपन्स को तगड़ा बना लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, जितने भी मेरे शुगर केन हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा उग चुके हैं। और यहाँ पर जल्दी से सारे उग जाए। तेरी ऐसी की तुम्हें मेरे घर में ही जाने क्यों पड़े रहती है? एक दिन पार्टी रखूंगा, सबको बुलाऊंगा और सबको मारूंगा भाई। तब भाई दिमाग खराब करते गेट पर आकर ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे चिल्लर मांग रहे हो। खैर छोड़ो जो भी है। और यार मेरे को ना एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। हाँ तो चलो, अभी जहाँ पर मैंने मॉब स्पॉनर देखा था, यानी जहाँ पर हमारा माइन शाफ्ट था ना, तो अभी मैं सीधा उस जगह पर जाने वाला हूं, क्योंकि वहां पर अनलिमिटेड ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वहां पर हम लोग अपना एक्सपी फार्म बनाएंगे। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने इन बफेलो और पिग से कुछ खाना तो ले लिया है। यहां पर अभी जो अपना पेट है वो भर जाएगा। और यार मेरे को ना थोड़ा सा पानी भी कलेक्ट करना था, ताकि मैं नीचे जाकर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना पाऊं। और देखो यार, ये वो जगह थी जहां से मैं लास्ट टाइम एग्जिट हुआ था। तो एक काम करते हैं, यहीं से एग्जिट हुए थे ना, तो यहीं से हम लोग जाने वाले हैं अभी, ठीक है? ये सारे के सारे पत्थर तोड़ के मैं नीचे जाऊंगा और फिर हम लोग यहीं से वापस अंदर भी आ जाएंगे। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं यहां पर पत्थर लगा लगा के वापस से नीचे आ गया। और यहां पर ना मैं थोड़ा सा गिर गया था ऊंचाई से। अब यार देखो, वैसे खाने की इतनी कमी है और मैं ऊंचाई से भी गिर गया। एक काम करते हैं, यहां पर ना थोड़ा बहुत खाना मेरे पास पड़ा हुआ है, कुक्ड फूड है मेरा, वो सारा का सारा गिर गया था अभी मेरे से। इसको फटाफट मैं यहां पर लगाता हूं और जल्दी से वाला फूड खाते हैं और सीधा निकल लेते हैं हम लोग उस टनल के लिए। तो जल्दी से, वो जो टनल का रास्ता है वो मेरे को फिलहाल एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट यार मैं समझ जाऊंगा। ये देखो भाई, यहां पर रेल की पटरी आ गई, मतलब कि रास्ता यहीं कहीं है। अभी ना मेरे को शील्ड का बहुत ज्यादा यूज करना है। अपनी तलवार निकाल लो, अगर कोई भी सामने खतरनाक ज़ॉम्बी आया तो उसका मुंह तोड़ देंगे। और बाकी वो नीचे एक आई पड़ी हुई है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, वो मेरे को कुछ काम की चीज लग रही है। और लास्ट टाइम मैंने इसे कलेक्ट नहीं करा था क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई, एकदम आराम से मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो 100% श्योर हूं मैं बहुत बुरी तरह गिरूंगा। इसलिए यहां पर पहले पत्थर तोड़ो, आराम आराम से हम लोग नीचे चलेंगे। मेरे को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना खाना भी बहुत ज्यादा कम है। तो ये कुछ काम की चीज मेरे को लग रही है, कलेक्ट तो होगी। क्या चीज है? एंडर पेयल, पता नहीं क्या है, कुछ एंडर से रिलेटेड है। और सामने की तरफ में क्रीपर है भाई, क्रीपर से पंगे नहीं ला रहे। क्रीपर सर बिग फैन, सामने मत आओ भाग के भाई साहब, ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है, जो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। बेटा क्रीपर, मैं तेरा मुंह ऐसा तोड़ूंगा ना, तेरी ऐसे की तैसी फूटी हो मत बस तू भाई साहब, ये फूटेगा। ये आज इसका मूड खराब लग रहा है, तेरी ऐसे की निकल 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 भाई, मार दिया एकदम सही टाइम पर मार दिया। और अगर ये मरता नहीं ना, तो ये मेरे को जरूर मार जाता साथ में। तो भी फटाफट मैं चलता हूं सबसे पहले आगे। तो गाइस यार, सबसे पहले मेरे को फाइंड करना है मॉब स्पॉनर जहां पर अनलिमिटेड ज़ॉम्बीज स्पॉन होते हैं। तो ओके गाइस यार, अभी फिलहाल मैं भागते भागते मेरे को लग रहा है कि मैं माइन शाफ्ट से बाहर आ चुका हूं। और ये जो जगह है ना, मेरे को थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। मतलब यार यहां पर देखो, मैंने कॉबल स्टोन लगाए थे। और यार यहां पर ये मैंने, ओ भाई मैं समझ गया, इस जगह पर मैंने कॉबल स्टोन इसलिए लगाया था ताकि लावा बंद हो जाए। और ये वही जगह है जहां पर से मैं इस माइन शाफ्ट में पहली बार एंटर हुआ था। तो गाइस यार, मेरे को पूरी की पूरी अभी जगह समझ आ गई है। और मेरे को वो भी याद आ गया कि मॉब स्पॉनर आखिरकार था कहां। तो सबसे पहले ना यहां पर खाना खाकर अपना पेट में थोड़ा पूरा का पूरा फुल कर लूं, ताकि जो मेरी एचपी कम हो रखी है ना, वो भी मेरी जल्दी से बढ़ जाए। यहां पर भाई स्पाइडर जो होती है ना, बहुत बुरी तरह अटैक करती है और उससे एचपी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और यहां पर अभी भी काफी सारा फूड पड़ा है, अपना काम हो जाएगा। और ये वो जगह है जहां पर से मेरे को एनचेंटेड एप्पल मिला था शायद से। हाँ भाई, ये वही जगह है। देखो पानी भी जा रहा है, मतलब कि गाइस अभी अपना सारा का सारा काम है वो पूरा का पूरा डन हो चुका है। बस यार मेरे को ना पहले इन ज़ॉम्बीज़ को मारना पड़ेगा। और अगर मैंने ये वाली दीवार में छेद कर दिया ना, तो ज़ॉम्बीज़ भाई, ये देखो एक ज़ॉम्बी सामने की तरफ में खड़ा हुआ, एक नहीं है बहुत सारे हैं। तो तू बेटा पहली फुर्सत निकाल, अंदर ही आगे मारूंगा। वरना ये देखो दो दो ज़ॉम्बी, यहां पर एक गया, दूसरा वाले भी गया। और यहां पर अभी मैं जल्दी से टॉर्च लगा देता हूं ताकि ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होना बंद हो जाए। ओ भाई साहब, एक और स्पॉन हो गया, वाओ। जितनी जल्दी मैं मार रहा हूं उससे जल्दी ये लोग यहां पर स्पॉन हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैंने यहां पर एक्सपी फार्म बना दिया, तो खुद सोचो मेरी एक्सपी जो है कितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो यहां पर एक टॉर्च इधर लगाओ, एक टॉर्च अंदर और लगा दी। और यहां पर जो अंदर जाने का रास्ता है ना, मैं अभी वो बनाता हूं पहले। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अंदर जाने का रास्ता बना लिया है। और ना इसके चारों तरफ मैं टॉर्च लगा देता हूं, ताकि थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बीज स्पॉन होना बंद कर दे, ठीक है? अब यहां पर इतना काम हो गया, इसके इस तरफ भी मैं तोड़ना शुरू करता हूं। और गाइस यार, अभी ना मेरे को 9x9 का एक रूम बनाना है, ताकि मैं अपना एक्सपी फार्म उसके अंदर बना पाऊं बढ़िया सा। अभी बस आप देखते जाओ, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। और यहां पर इस तरीके से मैंने ये भी बना दिया। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए ना कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होंगे, जब तक ये जो टॉर्च मैंने लगाई है ना, इनको मैं हटा नहीं दूंगा। तो अभी देखो, मेरे को 9x9 का रूम बनाने के लिए सबसे पहले कुछ स्टोन काउंट करने पड़ेंगे। एक दो, और ये हो गया अपना तीसरा वाला, और ये हो गया अपना चौथा वाला। तो देखो यहां पर 1 2 3 4, ये हो गया सेंटर। अब सेम टू सेम उस साइड भी 1 2, और ये हो गया तीसरा वाला,
और ये हो गया चौथा वाला, तो ये भी चार हो गए साइड में भी, और यहाँ पर मिट्टी कैसे आ गई। तो चलो एक दो तीन चार सेंटर, एक दो तीन चार सेंटर, ठीक है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने इस मॉब स्पॉनर के चारों तरफ यहाँ पर चार चार पत्थर जो है तोड़ दिए हैं, और यहाँ पर 9x9 रूम को बनाने का पूरा साइज ले लिया है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी पत्थर एक्स्ट्रा है ना उन्हें तोड़ते जाना है और एकदम स्क्वायर में रूम बना देना है। और बाकी आप लोग ना यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरे को लग रहा है जो धुआं निकल रहा है ना, ये मेरी चेस्ट प्लेट से निकल रहा है। एक बार मैं थोड़ी देर के लिए चेस्ट प्लेट हटाता हूँ, और ये देखो धुआं आना बंद तो नहीं हुआ, पता नहीं आ रहा धुआं किससे निकल रहा है। वापस से पहन लो यार, भाड़ में जाए। और जो मेरे हेलमेट की हेल्थ है ना वो भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अभी इस चीज की इतनी जरूरत नहीं है, अभी अपना काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे को सारे के सारे पत्थर ना तोड़ते जाने हैं, और जो रूम है वो पूरा पूरा एकदम परफेक्ट बना देना है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी जो अपना रूम है वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये देखो, एक दो तीन चार ब्लॉक इधर और एक दो तीन चार ब्लॉक इधर, मतलब चारों तरफ एकदम बराबर है। ऊपर की तरफ में भी चार ब्लॉक है, लेकिन एक क्यूब की 6 डायमेंशन होती है, यानी कि हमें ना नीचे की तरफ में भी चार ब्लॉक का यहाँ पर खोदना पड़ेगा। तो भी फटाफट से भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, काम जो है जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो खोदने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से जो हमें तोड़ते जाना है फटाफट से जल्दी जल्दी भाई, अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब कि फटाफट करेंगे। बट मैं आपको वीडियो स्किप करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा कि कितना ज्यादा टाइम लग जाता है इसको तोड़ने में। तो चलो गाइस यार, फाइनली भाई यहाँ पर ना पत्थर तोड़ते तोड़ते जिंदगी बीत गई है, और यहाँ पर सच्ची में भाई इतने सारे पत्थर इकट्ठा हो गए हैं पूछो मत। और यहाँ पर बस ये लास्ट कुछ पत्थर रह गए, इनको भी मैं तोड़ दूँ और फिर जो अपना काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो गाइस यार, फाइनली अभी जो अपना 9x9 का रूम है वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका है, और ये जो रूम है ना चारों साइड से पूरा बराबर है। अब मेरे को पता है क्या करना है, सबसे पहले ना दो रास्ते बनाने हैं। पहला रास्ता मैं ये बनाता हूँ जहाँ से मैं बाहर निकलूंगा अपना, मतलब कि जब हमें जाना होगा उस चीज के लिए, तो फटाफट यहाँ पर मैंने इस जगह को तोड़ा और अपना रास्ता जो यहां से बाहर जाने का बन चुका है। अब दूसरी जगह मैं बनाता हूं जहां पर हमारे ज़ॉम्बीज बहकर जाएंगे, और वहां पर से ना ज़ॉम्बीज को मैं पहले ना काफी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ा दूंगा पानी से लिफ्ट बनाकर, फिर उसी लिफ्ट से थोड़ा सा आगे बहकर हो जाएंगे और वहां से गिर जाएंगे, और फिर मेरे आगे आगे खड़े हो जाएंगे और मैं एक ही तलवार में उन्हें मार दूंगा। कुछ इस टाइप का मेरा प्लान है, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन जब यह बन जाएगा ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस देखते जाओ। तो देखो अभी ये जो एरिया कंप्लीट हो गया है, अब सबसे पहले ना जहां पर मुझे रहना है वाला ना मैं रूम बनाता हूं। सबसे पहले कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यह बना दूंगा ना तो मस्त लगेगा, मेरे को सब दिखता रहेगा कि ज़ॉम्बीज कहां पर है, क्या कर रहे हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यहां पर ना मैंने एक छोटा सा रूम बना दिया जिसके अंदर मैं रहने वाला हूं, और यहां पर ना फटाफट से पहले मैं दो स्टोन लगाकर आपको ऊपर दिखा देता हूं। यहां पर ना मैं बाद में सीढ़ी लगा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टोन लगा दिया। तो यहां पर जितना भी मेरा बैग भरा पड़ा है ना, जितना भी काम का सामान है वो मैं इसके अंदर स्टोर करवाता हूं, यहां से निकलते समय ले लेंगे। और गाइस यार यहां पर ना एक मिस्टेक हो गई, मैं एक चीज लाना भूल गया गाइस यार। एक ना सोल सैंड नाम करके एक चीज होती है जो कि हमें नेदर वर्ल्ड में मिलती है, वो यार मेरे ना घर पर पड़ी हुई है, तो मेरे को ना अभी जल्दी से घर पर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। शेट यार, उसको मैं पहले ले आता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन यार अभी तुम्हारे भाई को सारे रास्ते याद है तो अपने को ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला, जल्दी से मैं अपने घर पर जाता हूं उसको लेकर, जल्दी से यहां पर वापस आ जाता हूं फटाफट से। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं भागते भागते उसी जगह पर वापस आ चुका हूं, और ये जगह एक सेकंड, ये रही ट्रेन की बैटरी, चलो भाई रास्ता याद आ गया। अब यहीं पर मैं जाता हूं फटाफट से जहां पर मैंने अपना पूरा का पूरा एक्सपी फार्म बनाया है, और मैं अपनी सोल सैंड को लेकर वापस यहां पर आ चुका हूं। अब जिन लोग को नहीं पता सोल सैंड कहां से मिलते, तो आपको याद होगा जब मैं एक बार नेदर पोर्टल में गया था तो वहां पर जो डर्ट थी ना, मतलब वहां पर नॉर्मली मिल जाती है यार सोल सैंड, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बस आपने नेदर वर्ल्ड में जाना होता है। और गाइस यार अभी मैं इस जगह पर आ जाता हूं और आपको मैं बता देता हूं सोल सैंड की जरूरत क्या होती है। तो गाइस यार देखो, सोल सैंड का काम ये होता है कि जब भी हम इसके ऊपर पानी डालते हैं ना, तो पानी को लिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि अगर हम लोग उस पानी में जाके खड़े होंगे तो हम जो है ना ऊपर की तरफ में जाने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, और उसी के बीच अगर हम लोग कैल्प मिला दे तो फिर हमारी जो ऊपर जाने की स्पीड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बस ये काम होता है सोल सैंड का, बाकी और भी काम होते हैं वो मुझे नहीं मालूम। तो यहां पर ना सबसे पहले क्या करते हैं, 24 हाइट का ना एक छेद करते हैं, जिससे कि क्या होगा ना, हमें ना देखो ज़ॉम्बी को गिराना है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, देखो अभी छः ही हुआ है, तो इसी टाइप से हमें 24 करते जाना है। तो यहाँ पर भी फटाफट से पूरा पूरा काउंट करके मैं करने वाला हूँ, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर जो अपना काम था हाइट ऊंची करने का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जितने भी पत्थर मैंने लगाए थे ये ना मुझे सारे के सारे दोबारा से तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मतलब इतना काम कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे को ना ऊपर जाकर पानी डालना है, लेकिन पानी डालने से पहले एक चीज़ मेरे को और करनी है। तो गाइस यार देखो, जैसा कि मैंने इस तरफ बनाया ना 24 हाइट का, सेम टू सेम वही चीज़ मेरे को उस साइड भी बनानी है, जिससे कि क्या होगा ज़ॉम्बीज ना पहले लिफ्ट होकर इधर ऊपर जाएंगे और फिर इधर की तरफ में बहकर आएंगे और फिर इधर ना 24 की हाइट से सीधा नीचे गिर जाएंगे, और जैसे यहां पर आएंगे मैं उन्हें तलवार से मार के सीधा अपना एक्सपी बढ़ा लूंगा, ठीक है, ये मेरा प्लान है। तो अभी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, सबसे पहले नाप लेता हूं, ठीक है, एक दो तीन चार, तो सेम टू सेम चार का गड्ढा मेरे को इस साइड भी करना है। एक ये हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा,
और ये हो गया चौथा। ठीक है, यहाँ पर इतना काम हमें करना था, कंप्लीट हो चुका है। अब सेम टू सेम जैसे हमने उस टाइप में उधर पे ऊपर की तरफ में खुदाई करी थी ना, और यहाँ पर इतना सारा ग्रेवल आ चुका है और इससे मैं मर जाऊंगा भाई, ये तो बड़ा खतरनाक था। एक सेकंड, ग्रेवल से भी बचकर रहना पड़ेगा भाई, ये मेरे मुंह पर आगे गिर गई और दम घुटना शुरू हो गया था। चलो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 ये उपाय हैं, अभी दोबारा से ऊपर तोड़ना पड़ेगा। और ऐसे मेरे को 24 हाइट तक जाना है, 23 एंड 24 शायद से ये वाली जगह भी कंप्लीट होगी। थोड़ा सा और ऊंचा गया, इसको बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर ना सेम टू सेम जैसे कि मैंने उधर से गड्ढा खोदा था ना, अब मेरे को आगे की तरफ में बढ़ना है। और इस चीज़ में ना थोड़ी सी डायरेक्शन याद रखना, अगर डायरेक्शन में कन्फ्यूज हो गए ना तो फिर कहीं और ही गड्ढा खोदते हुए निकल जाओगे और जिस जगह के लिए काम कर रहे हो जगह नहीं मिलेगी। तो ये देखो जो चीज़ मैंने बनाई थी ना उस चीज़ को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि इधर की तरफ में हमें छेद करना है, तो वही सेम टू सेम चीज़ करनी है। लेकिन ना यहाँ से मैं नीचे भी चले जाता हूँ साथ के साथ, वरना फिर बाद में नीचे कूद के कैसे जाऊँगा, मर जाऊँगा उल्टा। तो भी फटाफट से साथ के साथ मैं नीचे भी निकल लेता हूँ। अब गाइस यार मुझे ना दोबारा से एक चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब दोबारा से उधर से ना ऊपर से जाकर पानी डालना है। लेकिन ना यार देखो, अगर मैं पानी डाल दूंगा नॉर्मली तो क्या होगा ना, पानी सारे के सारे एरिया में फैल जाएगा। तो सबसे पहले ना देखो ये एरिया बंद करो, और एक सेकंड रुक जाओ, गलत जगह मैंने पत्थर लगा दिया। तो देखो ये एरिया मैंने बंद करा, यहाँ पर मैं इसको तोड़ देता हूँ ताकि मैं जंप करके आगे चले जाऊँ। ठीक है, इसको भी तोड़ देता हूँ, आराम से जा पाऊंगा। अब देखो इस जगह पर ना पानी चारों तरफ ना फैले, तो मेरे को ना यार दो लेयर तोड़नी पड़ेगी। अब देखो दो लेयर इसलिए तोड़नी है, तो देखो भाई अगर हम लोग इन बोर्ड्स को इस तरफ लगा देंगे ना, तो पता क्या होगा कि जो हम पानी यहाँ पर डालेंगे ऊपर से, वो पानी ना यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अब ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइनक्राफ्ट में कुछ भी होता है, इसलिए भी आपको पता चल जाएगा मैं इन बोर्ड को क्यों लगा रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आया। तो इससे बस यही होता है, पानी फैलता नहीं है। तो सेम टू सेम मेरे को इस तरीके से लगाते जाना है, और यहाँ पर मेरे को पत्थर लगाकर यार दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा भाई। सच्ची में बहुत ज्यादा झमेले वाला काम लगता है कभी कभार। तो कि गाइस यार अभी ना मैंने उस तरफ में सारे के सारे साइन बोर्ड लगा दिए और मैं वापस से ऊपर आ चुका हूँ। और ये देखो भाई ये हैं सारे के सारे साइन बोर्ड। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं टॉर्च लगा देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए। अब देखो जब मैं इस जगह पे पानी डालूंगा ना, तो इन साइन बोर्ड की वजह से ना पानी फैलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी वाली लाइन में रहेगा, जो आप ये लाइन पूरी की पूरी देख पा रहे हो ना, अभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं पानी डाल देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अभी ये जो पानी है ना मैंने डाल दिया है, और यहाँ से मैं चले जाता हूँ सीधा नीचे की तरफ। इधर से ही मैं पत्थर लगाकर ऊपर आया था भाई। यार बार बार ही पत्थर लगाना और बार बार ही तोड़ने का जो काम है ना, बड़ा डिस्टर्ब करता है। लेकिन यार जब ये एक्सपी फार्म बन जाएगा ना, उसके बाद अपनी ऐश ही ऐश है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर भी फिलहाल पत्थर तोड़ते तोड़ते मैं वापस से नीचे आ गया हूँ, और ये जगह मैंने इसलिए बनाई थी ताकि मैं जंप मार के उस तरफ जा पाऊँ। और गाइस यार जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस चीज को करने के बाद ना पानी बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, और सेम टू सेम वही चीज हो रही है। तो अभी ना एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर जो मैं ये लेकर आया था ना कैल्प, अब इसका यूज करना है मेरे को यहाँ पर फटाफट से ना। देखो मैं जैसे कैल्प लगाऊंगा, अभी पानी जो है ना मेरे को ऊपर की तरफ में ढकेलेगा। तो ये देखो, देखते जाओ, अभी नहीं ढकेलेगा, इसमें ना मुझे सोल सैंड को भी मेरे को साथ में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी कैल्प वाले जो भी पौधे होते हैं, इनको मैंने यहाँ पर पूरा लगा दिया है। लेकिन गाइस यार एक मिस्टेक है, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, मैंने ना एक गलती कर दी यार, मेरी वाटर बकेट से मेरे को वो गलती ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ, हाँ भाई अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, और इस वाले बोर्ड को भी मुझे तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर एक पत्थर लगा दूँ ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक पत्थर लगाने से काम नहीं होगा, इसके नीचे वाले में मुझे पत्थर लगाना पड़ेगा, एक मिनट। तो चलो ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, यहाँ पर नीचे वाले में मैंने पत्थर लगा दिया, एक पत्थर मेरे को इस तरफ में लगाना है। और गाइस अब मेरे को क्या करना है, इधर से पानी डाल देना। ठीक है, अब देखो ये जो पानी है ना, मैं जैसे इसमें खड़े होऊंगा मैं ढकेल के उधर चले जाऊंगा, और मैं गिर गया तो काम ही खत्म हो जाएगा, वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। तो चलो ठीक है गाइस यार, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अभी ज़ॉम्बीज़ जैसे नीचे से आएंगे ना, एक मिनट भाई ये कितना ज़्यादा हार्ड हो रहा है भाई। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जैसे नीचे से ऊपर आएंगे ना, तो फिसल के वो लोग आगे जाने वाले हैं, और यहाँ पर उनकी बैंड बजने वाली है। इधर भी मैं पत्थर लगा के सारा का सारा रास्ता बंद कर देता हूँ, वहाँ पर हटो भाई, मेरे को तो जाने दो, एक मिनट रुक जाओ, मैं फटाफट से चल लेता हूँ नीचे। और नीचे जाकर गाइस जैसे ही मैं सोल सैंड लगाऊंगा, अपना जो ये मतलब पूरा प्रोजेक्ट है जो भी खत्म हो जाएगा भाई, मैं नीचे आके गिराऊँ बहुत बुरी तरह। यहाँ पर बस मेरी ज़्यादा हेल्थ नहीं गई, अब काम आएगी अपनी सोल सैंड। ठीक है, जिसके लिए हम इतने टाइम से तड़प रहे हैं, अभी फटाफट से सोल सैंड के लिए ना मुझे ये वाली जो जगह है ना तोड़नी पड़ेगी। रुक जाओ, इसको तोड़ने के लिए मैं अपनी पिकैक्स यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा अपनी सोल सैंड। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें जाऊँगा, ये देखो भाई कितना ज़्यादा प्रेशर, और मैं इतनी ज़्यादा स्पीड से ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं बहकर सीधा आगे जा रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ हमने बनाई है वो बनी तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो गाइस यार ये देखो, अब यार मैं ना इस जगह से नीचे जा ही नहीं सकता, सच्ची में ये तो चीज़ है ना यार बहुत मस्त बनी है। और यहाँ पर अगर मैं फिसल गया ना, तो मैं दूसरी जगह से नीचे चले जाऊँगा और मेरा मुंह टूट जाएगा, इसीलिए काम करता हूँ सबसे पहले इसे तोड़ो। और यहाँ पर मैं पत्थर लगा तो मैं गया नीचे भाई, बच गया। तो मेरे को ना आराम से नीचे जाना है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं करनी, काश यार सीढ़ी होती फिर मैं आराम से जाता, लेकिन अभी ना मेरे को पत्थर लगा कर जाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो भाई देखो यहाँ पर इतना काम मैंने डन कर दिया, ऊपर जो पत्थर लगाया था उसको भी मैंने तोड़ दिया, और अब मैं मेरे को जल्दी से नीचे जाना है। तो जो मैं रस्ते से जाऊँगा तो वहाँ से तो मैं गिर जाऊँगा, इस वाले पत्थर को तोड़ दो, मैं ना साइड से नीचे चलता हूँ, और यहाँ पर ना ऊपर भी पत्थर मेरे को लगाते हुए आने पड़ेंगे ताकि जो रास्ता है वो एकदम मस्त बना रहे। तो कि गाइस यार अभी मैं फाइनली नीचे आ चुका हूँ, और जो रास्ता मैंने खराब करा था वो भी मैंने पूरा का पूरा ठीक कर दिया है। अभी ना जल्दी से अपना आखिरी काम यहाँ पर खत्म करते हैं। देखो अभी ना बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से मॉब्स स्पॉन होंगे, और इधर ना मैं पूरा
पूरा का पूरा पानी का ट्रैप बना दूंगा ताकि जितने भी मॉब्स हैं बहकर उस तरफ में जाएं और उस सोल सैंड की वजह से वो लोग ऊपर की तरफ में लिफ्ट में चले जाएं, उसके बाद वहां से सीधा नीचे आके गिर जाएं। तो चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना काम। मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले यार पानी लेकर आना पड़ेगा, पानी पूरा खत्म हो गया। और अच्छी बात तो ये है कि मुझे इस केव में ना इतनी ज्यादा नीचे भी पानी का एक सोर्स मिला पड़ा है, तो फटाफट यहां से जितना चाहूं उतना पानी कलेक्ट नहीं कर सकता क्या भाई? ये क्या स्कैम है? ऐसा मत करो भाई, रुक जाओ, मेरे को सारा पानी कलेक्ट करना पड़ेगा और मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बकेट मिला है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ना भी आगे की तरफ में भी और पानी पड़ा हुआ है, तो जल्दी से मैं वो वाला पानी भी लेकर आता हूं भाई। आज ब्लू है, पानी पानी कर देंगे। तो गाइस यार देखो, इस पानी को कैरी करने के लिए ना मुझे वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से ये पानी गिर रहा है। तो फटाफट ना एक काम करता हूं, उस जगह को ढूंढने के लिए ना मुझे यहां पर जहां से आ रहा है ऐसे पता तो नहीं चल पाएगा, लेकिन मेरे को ना थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा। तो यहां पर जितने भी कोबल स्टोन है मैंने सारे तोड़े, अभी फटाफट से लगा लगाकर यहां पर जितने भी कोबल स्टोन है मैं ऊपर चलता हूं। और ये देखो भाई यहां से आ रहा है पानी, फटाफट से इस पानी को कलेक्ट करते हैं। अब मैं अपनी जगह पर चलकर ना सबसे पहले अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को मालूम नहीं है कितने पानी की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो फटाफट जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से हम लोग यहां पर चल लेते हैं उस जगह पर जहां पर हमने अपना एक्सपी फार्म बनाया है। सबसे पहले यहां पर मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाता हूं, यहां पर मेरे को चार पीस तोड़ने हैं और एक बार पानी इधर से डालना है, फिर एक बार पानी इधर से डालना है। और अब मेरे को जितना मर्जी चाहे उतना पानी मिल जाएगा इसके अंदर से, मैं जब मर्जी चाहूं पानी कलेक्ट कर सकता हूं, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले मेरे को दो साइड से पानी डालना है। अब देखो ये जो पानी है ना सिर्फ यहीं तक आ रहा है और इसको आगे लाने का भी मेरे को तरीका पता है, तो सबसे पहले हमें इसे ना तोड़ते जाना है इस तरीके से। तो बस कुछ नहीं करना, यहां पर जितने भी पत्थर है ना इन्हें हमें एकदम सही तरीके से तोड़ना है ताकि पानी जो है ना अपनी जगह पर रहे। अब उसके बाद ना जैसे जिसके ऊपर पानी है वो वाले पत्थर मैं तोड़ूंगा तो पानी बहकर एकदम आगे आ जाएगा और सीधा सारा का सारा पानी ना इसी वाली जो नाली समझ लो अब, तो मतलब इसका हमने एक टाइप से नाली बना दिया, ठीक है? अब यहां पर पानी इसके अंदर चले जाए अच्छे से। और यार सोल सैंड का काम तो खराब हो गया, एक मिनट रुक जाओ, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई यहां पर, इसको मुझे ना तोड़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है? ओहो पानी बहकर आगे आ रहा है, वेट 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 वेट, मेरे को यहां पर वो लगाना पड़ेगा सबसे पहले तो यार, वरना पानी बहकर आएगा बहुत तेज। देख रहे हो कितनी तेज पानी बहकर आ रहा है, और जैसे ही मैं यहां पर ये लगाऊंगा ना अब देखो पानी खत्म, एकदम स्पीड ही खत्म होगी इसकी। तो यहां पर मुझे ये लगाना है, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, तो ये नीचे वाले पत्थर को मैंने तोड़ दिया और यहां पर मैं लगाने वाला हूं सोल सैंड दोबारा से। अब जो पानी के अंदर दोबारा से लिफ्ट वाला काम था वो शुरू हो गया ना भाई, सब हो गया। अबे शिट यार मैं ऊपर चला गया, नहीं वापस नीचे आ गया, अच्छा हुआ। और अगर मैं ऊपर चले जाता ना अपना सारा काम खराब हो जाता अभी, ठीक है? तो इतना काम अपना हो चुका है और यहां पर अब बस मुझे कुछ नहीं करना, ये जितने भी पत्थर है जितना भी पानी से आ रहा है सारा तोड़ना है। और अगर मैं खुद ही बहकर लिफ्ट में चला गया ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पानी से मेरे को थोड़ा सा बच के भी रहना पड़ेगा। और ये देखो भाई यहां पर जो तुम्हारे भाई ने ट्रैप बनाया था वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यार पानी ना भी पूरा आगे नहीं जा रहा। तो यार मुझे एक काम और करना पड़ेगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, ये सच्ची में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा हो रहा है। रुक जाओ, एक बार ये वाला मैं पत्थर आराम से तोड़ दूं सोल सैंड को। यहां पर सोल सैंड मैंने आराम से निकाल दिया है, अब मुझे ना इस सोल सैंड की जगह एक पत्थर और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ये भी तोड़ दिया मैंने और यहां पर अब मैं सोल सैंड नीचे प्लेस करूंगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो सोल सैंड लगाते ही यहां पर पानी में बबल्स दिखना शुरू हो गए हैं, यानी कि जो लिफ्ट वाला काम है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, बस यहां पर जितने भी ये हमने टॉर्चेस लगाई थी ना इन सभी टॉर्च को मेरे को तोड़ना है और इस जगह से फटाफट निकल लेना है। लेकिन यहां पर पत्थर लगाना पड़ेगा, एक मिनट रुक जा भैया, पानी बहुत ज्यादा बहाव में है भाई सच्ची में। अभी फटाफट यहां पर मैं सारे के सारे पत्थर लगा देता हूं और यहां पर ये गई पहली टॉर्च। एक सेकंड रुक जाओ भाई, सारी टॉर्च तोड़नी पड़ेगी, एकदम आराम आराम से काम करेंगे। एक मिनट एकदम आराम से ना, सबसे पहले एक पत्थर मेरे को यहां पर लगाना है, एक यहां लगाना है ताकि मैं आगे जाकर ये वाली टॉर्च भी तोड़ दूं एकदम आराम से। ये वाली टॉर्च भी गई और यहां पर एक टॉर्च ना अभी राइट में भी, और देखो ज़ॉम्बीज़ आना शुरू हो गए शायद से। रुक जाओ, यहां पर एक टॉर्च ये वाली भी तोड़नी है और यहां पर मेरे को आगे जाकर एक टॉर्च ये वाली भी तोड़नी है। और अभी पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, यानी कि अब ज़ॉम्बीज़ एकदम धड़ाधड़ आने वाले हैं। और जितने भी पत्थर मैंने फालतू लगाए थे ना इन सबको तोड़ता हूं और मैं भी फटाफट यहां से निकल लेता हूं, वरना ज़ॉम्बीज़ मेरे को कच्चा चबाकर खा जाएंगे। वैसे अब ज़ॉम्बीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, अब ज़ॉम्बीज़ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। अब मेरे को ना ये वाला रास्ता बंद करना पड़ेगा वरना ज़ॉम्बीज़ इधर आ जाएंगे मेरे पास। तो फटाफट एक काम करता हूं, यहां पर मैं लगा देता हूं पत्थर ताकि ज़ॉम्बी सीधा यहां पर आकर गिर जाएं। तो गाइस यार अभी जो अपना पूरा का पूरा काम है कंप्लीट हो गया और ज़ॉम्बीज़ कैसे गिर रहे हैं कैसे होकर आ रहे हैं सब मैं आपको दिखाता हूं। पहले ना थोड़ी सी टॉर्च यहां पर मैं लगा देता हूं और ये देखो गाइस, ये है अपना मॉब स्पॉनर, इसके अंदर से ज़ॉम्बीज़ गिरेंगे पानी के अंदर और पानी से बहकर जाएंगे पूरा लिफ्ट होकर और पूरा घूम कर आएंगे इस तरफ और यहां पर आकर गिर जाएंगे। लेकिन अभी बहुत देर हो गई, एक भी ज़ॉम्बी आकर नहीं गिरा है। मेरे को लग रहा है मेरी मशीन में ना कोई कमी रह गई है, पता नहीं ऐसी मेरे को फील आ रही है। और ये देखो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ गिरे हैं इस बारी, अबे कोई तो नीचे आके गिर जाओ। गाइस यार मेरे को ना एक वो भी लाना चाहिए था यार, क्या कहते हैं उसे, हॉपर और चेस्ट। फिर पता क्या होता, होपर में आके गिरते, होपर में मर जाते वो और सारा का सारा सामान मेरी चेस्ट में आ जाता। तो गाइस यार देखो यहां पर जो पहले चार ज़ॉम्बीज गए थे ना वो अभी तक नहीं आए और यहां पर देखो चार ज़ॉम्बी और जा रहे हैं। ये आना तो मेरी तरफ चाहते हैं लेकिन यहां पर यार पानी इनको बहुत ही बुरी तरह ढकेल रहा है, तो ये लोग बेचारे अपना उधर की तरफ में चले जाएंगे। और यहां पर कंटीन्यूअसली ज़ॉम्बीज आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। यहां पर ना इतनी देर हो गई, कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आया, वो देखो आके गिरा और यहां पर ये आके मर गया। अबे शिट यार ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, रुक जाओ, ये मैंने ना इसकी हाइट जो है थोड़ी सी ज्यादा कर दिया, तो मेरे को इसकी ना हाइट कम करनी पड़ेगी। नीचे की तरफ में एक पत्थर लगाओ ताकि ज़ॉम्बीज जो है ना आके मर
मरे ना यार। देखो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, अभी तो नहीं, बड़ी मशीन बनाना कोई आसान बात नहीं है। देखो अब जो ज़ॉम्बी आके गिरा है ना वो नहीं मरा, मेरे को पता था वो हल्का सा जिंदा रह गया था। अब यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर सीधा जाके इसे तलवार से मारना। और ये देखो मेरे को कितनी सारी एक्सपी और कितना सारा सामान मिलते रहेगा, और सिर्फ एक तलवार में चाहे कोई भी ज़ॉम्बी हो वो मर जाएगा। तो देखो यार अभी ना एक काम करते हैं, ज़ॉम्बीज के लिए ना थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि यहाँ पर ना ज़ॉम्बीज आराम से आके चिल मार पाए। तो चलो यहाँ पर देखो एक ज़ॉम्बी और आके गिर चुका है, एक के बाद एक ज़ॉम्बीज आके गिरे जा रहे हैं। तुम्हारी ऐसे की तैसे निकलो, एक एक तलवार में देखो सारे के सारे ज़ॉम्बीज अभी मारे जाएंगे। तो ये देखो एक ज़ॉम्बी और आ गया, इसको भी एक तलवार मारो ये भी मर जाएगा। थोड़ा सा ना वेट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं अभी कितने ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो जाएंगे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर ना थोड़ी देर वेट करने के बाद इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और ये सारे के सारे ना एक ही तलवार में मर जाएंगे। और कोई भी ज़ॉम्बी मेरे पे अटैक मेरे को लग रहा था नहीं कर सकते, लेकिन एक बंदे ने अटैक कर दिया। और ये देखो भाई सारे ज़ॉम्बीज की बैंड बजा दी। और यहाँ पर देखो जितने भी ज़ॉम्बीज आते रहेंगे ये बेचारे इस तरीके से जाएंगे, लिफ्ट में जाएंगे और फिर इधर से आके ऊपर ऊंचाई से ये लोग गिर जाएंगे। और फिर जैसे आएंगे मैंने एक ही तलवार में मार के अपनी एक्सपी बढ़ा लूंगा, और इन पे जो भी सामान होगा वो भी मेरे को मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर अभी क्रीपर आ रहा हो तो क्रीपर से मेरे को काफी सारा गन पाउडर मिल जाता, गन पाउडर से मैं TNT बना सकता हूँ और भी बहुत कुछ बनता होगा। और बाकी अगर स्केलेटन आ रहे होते तो मेरे को काफी सारी बॉन्स मिल जाती और काफी सारे एरो मिल जाते, बो मिल जाती, जो भी है। और ये देखो अगर अभी ये आएगा तो मुझे गोल्ड का इसका हेलमेट भी मिल सकता है। तो चलो गाइस यार आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं ओनली 400,000 लाइक के लिए। गाइस यार आप लोग लाइक गोल कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो सब लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं कराया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और हाँ यार मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर 100,000 मेंबर होने वाले हैं और जल्दी मैं वहां पर टॉक शो भी करने वाला हूं। इस बार मजाक नहीं कर रहा, इस बार 100,000 मेंबर पे जरूर होगा। तो जल्दी से जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।